आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, पार्थ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह, और चलिए अब रुख करते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल लालकुआ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी द्वारा विगत दिनों संध्या दालाकोटी में टिकट देने के बाद, जहां कल पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल की आवाज पर जबरदस्त जमावड़ा हुआ था, वहीं आज कांग्रेस के दूसरे दावेदार हरेंद्र बोरा के सैकड़ों समर्थक उनकी आवाज पर महापंचायत में शामिल हुए, जिसमें हरेंद्र बोरा को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारने के लिए दबाव बनाया गया। लालकुआ विधानसभा में कांग्रेस ने पहली बार महिला उम्मीदवार संध्या दालाकोटी को मैदान में उतारा है, जिसके बाद से ही कांग्रेस में एक के बाद एक बगावत के सुर उठने लगे हैं। एक दिन पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल भी निर्दलीय चुनाव ताल ठोकने का उन्होंने ऐलान किया था। इन लोगों को मैनेज करना चाहिए। उन्हें हरिंदर बोरा लालकुआ विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा चेहरा है। अगर सरकार पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी इन पर अगर जो है इनको अगर मैनेज नहीं करेगी तो इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस। मैं पिछले दो बार से लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ, तो महापंचायत तो इसलिए बुलाई गई थी कि भाई देखिए, जिनके बल पर मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ उन लोगों की भी मैं राय ले लूँ कि मुझे क्या करना है। भाई देखिए, जो उनका जो निर्णय होगा, जिन लोगों के बल पर आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, उसी पे अमल करते हुए जो मैं है हाईकमान के का इंतज़ार कर रहा हूँ कि हाईकमान, मेरे को अभी एक फोन आया है कि वहीं हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के विधानसभा खानपुर प्रत्याशी ने नामांकन किया। नामांकन होने के बाद आम आदमी पार्टी के समर्थक डांस करते नजर आए और समर्थकों में भारी उत्साह भी देखने को मिला। इस दौरान श्याम त्यागी ने कहा कि विकास के नाम पर 2022 का चुनाव होने वाला है और सबसे पहले हमारे मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई को लेकर क्षेत्र में काम होना है। जहाँ तक मानना है, जनता अब की बार उनको चुनेगी और विधानसभा पहुँचाएगी और जनता भी साथ में विधानसभा जाएगी। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो देखो सर, सबसे पहले तो मुद्दा हमारा रोजगार का, बेरोजगार, जो रोजगारी नहीं है विधानसभा में, और बिजली, पानी, शिक्षा, स्कूल की तो धज्जा उड़ी पड़ी है इस सरकार में। स्कूल तो है ही नहीं, बिल्कुल भी बेकार है बिल्कुल सारे। वहीं ऋषिकेश में युवा नेता के रूप में पहचान रखने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला को टिकट मिलने पर समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली। मौसम भले ही ठंडा हो रहा हो, लेकिन जयेंद्र समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। हरिपुर में ऋषिकेश तक आते आते कई जगहों पर जयेंद्र रमोला का समर्थकों ने भव्य स्वागत किया है। कांग्रेस भवन पहुंचने पर समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी भी की। मुझे पता चला था कि एक मैसेज मैंने पढ़ा कि आज कांग्रेस की बैठक भी है 3 बजे में, 3 बजे तमाम बड़ी संख्या में लोग कालूसित मंदिर के पास बिल्कुल बॉर्डर पर, विधानसभा के बॉर्डर पर मेरे स्वागत के लिए आए। मैं उन सब का आभार व्यक्त करूँगा, मैंने बाबा का आशीर्वाद लिया और जगह जगह आप देख लिए, 4 बजे का यहाँ कार्यक्रम था और इस समय 7:45 बज गए, तो जगह जगह लोगों ने स्वागत किया, महिलाओं ने स्वागत किया, युवाओं ने स्वागत किया, सब लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज भी हैं। और जब मुझे पता चला कि वहाँ कांग्रेस की बैठक के रूप में लोगों को वहाँ इन्वाइट किया गया था, बुलाया गया था, मैं भी उस बैठक में गया और मैंने अन्य प्रत्याशियों के चरण छुए, उनका आशीर्वाद लिया। मैं सबसे छोटा प्रत्याशी के रूप में, मैं सब में जो भी है और सब मेरे साथ हैं, सब लोग मिलकर हम लोग इस चुनाव को फतह हासिल करेंगे। देखिए, जो हमारे इस तरह के ये आज जो हुआ है कि कुछ लोगों द्वारा जो है अलग से बैठक बुलाई गई थी, उसका ये अच्छी परंपरा नहीं है। ये अगर गलत परंपरा की नींव हमारे द्वारा रखी जाएगी तो निश्चित तौर से ये आने वाले समय में पार्टी के लिए भी नुकसानदायक है और उन लोगों के लिए भी नुकसानदायक है जो इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से परंपरा नहीं बननी चाहिए। अब जो हाईकमान ने निर्णय लिया है उसका सबको स्वागत करना चाहिए और युवा नेतृत्व को अगर हमारी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि युवाओं को आगे लाने का। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर बसपा प्रत्याशी आदित्य ब्रजवाल ने कहा कि जबरेड़ा विधानसभा से बसपा का पलड़ा भारी देखकर अन्य दल घबरा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में ही सर्व समाज का हित है और जनसंपर्क में जिस तरह से सभी समाज के समर्थन हमें मिल रहे हैं, उससे जिला हरिद्वार ही नहीं प्रदेश में बसपा सरकार भी बनेगी।
जिस तरह से जी निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी जबड़ा विधानसभा में बहुत अधिक मजबूत स्थिति में है, इसी कारण अन्य पार्टियों में सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है और अन्य पार्टियां अपने प्रत्याशी की घोषणा अब तक नहीं कर पाई है। कांग्रेस से निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, यदि एक गुट का टिकट हुआ है तो दूसरा गुट अपने आप से परेशान है और वो अब देख रहा है कि किस प्रकार से अगली रणनीति को तैयार किया जाए। बहुजन समाज पार्टी में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के साथ पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। वहीं मसूरी में 73वां गणतंत्र दिवस लंडौर चौक पर सादगी के साथ मनाया गया और इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया है और राष्ट्रगान गाया गया। मौके पर शहर के विभिन्न संगठनों के लोग मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर मिष्ठान वितरण कार्यक्रम भी आयोजित हुआ और देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए संकल्प लिया गया। पालिका द्वारा यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्योंकि आचार संहिता लगी थी, बहुत विस्तार में कार्यक्रम नहीं हो सकता था, लेकिन कोई भाषणबाजी यहां पर नहीं हुई, लेकिन झंडारोहण का बहुत अच्छा कार्यक्रम यहां पर किया गया और इस अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासी सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और इस अवसर पर मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूँगा सभी शहरवासियों के, जो अधिकार हम लोगों को मिले हैं, जो गणतंत्र हमें प्राप्त हुआ है, हम उसका सदुपयोग करें, हमने जो कर्तव्य अपना कर्तव्य निर्वाह करें और इसको जो भी कार्य करें देश के हित के लिए करें, देश के सम्मान के लिए करें और देश की तरक्की के लिए करें। यही इसी के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। वहीं रुड़की में वरिष्ठ समाज सेवी वेद टेक बल्लभ के कैंप कार्यालय पर 73वां गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां देश भर में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। वहीं रुड़की में वरिष्ठ समाज सेवी वेद टेक बल्लभ के कैंप कार्यालय में भी सर्व समाज के लोगों ने मिलकर हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण किया। आज भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर हम सभी लोगों ने यहाँ हमारे कैंप कार्यालय पर जादूगर रोड पर सभी साथियों ने मिलकर हमारे साथ ध्वजारोहण किया है और इस पर्व को, इस राष्ट्र पर्व को अपने सबसे सम्मिलित रूप में मनाया है। हमारा मानना है कि कोई भी पर्व अगर हम मिलजुल कर मनाते हैं तो उसका ज़्यादा लाभ और ज़्यादा हमारे दिल में धारणा बनती है। वहीं ऋषिकेश में कृष्णा नगर कॉलोनी के पास महिला का गला दबाकर हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति भी सामने आया है। आपको बता दें कि हत्या करने के बाद पति ने शव को जंगल में फेंक कर मौके से फरार हो गया। अपनी पहली पत्नी से मिलने ऋषिकेश पहुंचने पर पुलिस ने आरोपी हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने का जुल्म जो है कबूल कर लिया है। ये दिसंबर में एक अज्ञात शव मिला था जिसकी बाद में शिनाख्त हुई, तो वो आरती जो निवासी उड़ीसा की थी उसका शव पाया गया। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे जब उसमें स्ट्रैंगुलेशन आया तो इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था 23 जनवरी को और इसमें फिर इंस्पेक्टर ऋषिकेश और SOG ऋषिकेश के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और इनको सफलता मिली है, जिसमें इसमें मुख्य आरोपी जो है अभियुक्त जो उस मृतका थी उसका ही पति है उसको अरेस्ट किया गया है और उसके द्वारा ये बताया गया है कि उसकी दूसरी शादी थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी ये महिला उसे, तो उसने उससे पीछा छुड़ाने के लिए यहीं IDPL के जंगल में उसको वो लेके आया और उसके सर पे चोट मारकर और फिर गला दबा के उसकी हत्या कर दी गई। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।